बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आज हम बात करेंगे हाउ टू चेक द लिस्ट ऑफ़ ऑल कस्टमर्स एंड लिस्ट ऑफ़ ऑल वेंडर्स आप अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं एस ए पी में या आपके अकाउंट्स फील्ड है या आप पर इवन दो कि सेल्स की फील्ड है या किसी और भी मीडियो में आप काम कर रहे हैं और आपको कस्टमर्स की लिस्ट को देखना है और वेंडर्स की लिस्ट को देखना है तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल हाउ टू चेक द कस्टमर लिस्ट उसके लिए हम लोग टी कोड यूज़ करते हैं वी सी यू एस टी वी सी यू एस टी और उसके बाद हमारे पास ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है कस्टमर लिस्ट के नाम से अब अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स हैं आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्राइटेरिया को लेकर अपने कस्टमर्स की लिस्ट को देखना चाहते हैं अगर आप ओपन फील्ड में देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल यू जस्ट वांट टू चेक द ऑल द कस्टमर्स जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थ्री जीरो टू जीरो में हैं या अगर आपकी अपनी कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यहाँ पर उसका टी कोड लिख आप, न, आप उसका कोड लिखेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का कोड यहाँ पर लिखने के बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक कम्प्लीट लिस्ट ओपन हो जाएगी जो कि आपके तमाम कस्टमर होंगे उस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड अब आप इसमें से किसी भी एक कस्टमर की डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करें यहाँ पर आप ग्लासेस को क्लिक करेंगे डिस्प्ले कस्टमर तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कस्टमर ओपन हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर नेम स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट पोस्टर कोड कंट्री तमाम इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर के रिलेटेड आपके पास ओपन हो चुकी है अगर आप ऊपर से कुछ और इन्फॉमेसन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखना चाहते हैं सेल्स एरिया देखना चाहते हैं जनरल डेटा देखना चाहते हैं आप कुछ भी अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सो वी सी यू एस टी टी को यूज़ करने से हम लोग कस्टमर लिस्ट को देख सकते हैं आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कस्टमर होंगे जो आपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंटर की होगी आपके पास वो तमाम कस्टमर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी और आप उसमें से अगर किसी कस्टमर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप उस कस्टमर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ग्लासेस और डिस्प्ले कस्टमर को क्लिक करेंगे तो आपके पास उस कस्टमर की कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाएगी उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू चेक ऑल द वेंडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए हम लोग टी कोड यूज़ करते हैं एम के वी जेड उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू टैब ओपन हो जाता है यहाँ पर हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे अपनी और हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी जो परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितने वेंडर्स हैं और कौन कौन से वेंडर हैं तो आप यहाँ पर अपनी स्पेसिफाइड परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन को एंटर करेंगे उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके तमाम वेंडर्स जो हैं जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं जह, जहाँ जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लिखी है करेंसी लिखी है सेल्स पर्सन कौन सा है उनका सिटी कौन सा है स्ट्रीट कौन सी है तो आपके पास कंप्लीट डिटेल इस टी कोड एम के वी जेड में आपके वेंडर्स की कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाएगी और आप अगर इसमें से भी इंडिविजुअल वेंडर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप उस इंडिविजुअल वेंडर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर परचेजिंग एंड सेंट्रल है अगर आप सेंट्रल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वेंडर की कम्प्लीट डिटेल ओपन हो चुकी है कैंप uh, वेंडर का नेम सर्च टर्म क्या है स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट पोस्टर कोड क्या है करंसी कंट्री कौन सा है रीजन कौन सा है लैंग्वेज कौन सी है और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास परचेजिंग डाटा इंफॉर्मेशन भी आपके पास ओपन हो जाएगी तो नाजरीन इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम लोग कैसे अपने कस्टमर्स की लिस्ट एंड वेंडर्स की लिस्ट को एस में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपने यूज़ के लिए वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़